We cannot sleep if the door keeps slamming. Neither did the other tenants. Cannot be quiet here after 10 p.m. Thanks. तो हमारे अपार्टमेंट के ऑपोजिट एक और अपार्टमेंट है और वहाँ पे एक मोदरमा रहती है. उनको लगता है कि हम ये दरवाजा ये डोर है पटक पटक के मारते जिनकी वजह से उनको नींद नहीं आती. सुबह सुबह चाय की चुस्की मिल जाए ना मजा आता है. हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर सचिन चौधरी. अब वेलकम बैक टू माय चैनल सच चौधरी ब्लॉग्स. ब्लॉग्स हटा दिया हुआ है अकेला सच चौधरी. तो आज सुबह सुबह बारिश होके हटी है. सुबह सुबह तो नहीं बोलूँगा, दोपहर का एक बज चुका है, लेकिन मेरी तो सुबह सुबह है क्योंकि जिसने शिफ्ट से रात को 12-1 बजे आना है तो लेट सोऊंगा और सुबह लेट ही उठूंगा. अभी तैयार तुर होकर खाना खुना खा के हम हुए हैं फ्रेश और निकल रहा हूँ रेवे के लिए क्योंकि कुछ सामान है, बहुत सारा सामान लेने वाला है. हर बार मेरे साथ होता है जब भी मैं रेवे सामान लेने जाता हूँ और लिस्ट नहीं बनाता हूँ, ऐसे ही चले जाता हूँ लेने के लिए और घर आता हूँ फिर याद करता हूँ कि कुछ सामान फिर छूट गया, फिर दोबारा लेने जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ. तो हर बार का मेरा ये सीन है और होपफुली इस बार ऐसा ना हो. जो जो सामान चाहिए मेरे को मैं सारा कुछ लेके आऊँ और उसके बाद आपको देना मैंने होम टूर. और होपफुली थोड़ा सा लाइट निकल जाए, सनलाइट आ जाए सो दैट कि मैं आपको होम टूर दूँ अच्छे से. बारिश के बाद जो ये सूरज निकलता है ना, हाँ 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 भाई, उसका मज़ा ही अलग है. और ठंड भी हो चुकी है काफ़ी पिछले 2-3 दिनों से, इसलिए अब मैंने ये जैकेट भी डाली हुई है. आ गए हैं बाहर. होपफुली मैंने सारा ग्रोसरी का सामान ले लिया हो और बारिश का टाइम हो चुका है. अब दोबारा फिर से बारिश आएगी, मौसम बड़ा सेक्सी हो गया भाई. अब लुक एट दिस, वाह. और अब जल्दी से जल्दी घर जाते हैं और दिखाता हूँ आपको अपना अपार्टमेंट. कुछ दिनों के लिए हूँ मैं यहाँ पे. आई थिंक बस 18 या 19 दिन मेरे और रह गए यहाँ पे इस अपार्टमेंट में. उसके बाद छोड़ के मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ खुशी खुशी. ओके, तो जल्दी से आपको मैं अब होम टूर देता हूँ. तो ऐसी है हमारी बिल्डिंग. इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर और यह इस बिल्डिंग के एंट्रेंस. धीरे धीरे बोल रहा हूँ सो दैट कि व्यूअर्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए. ये है हमारी अपार्टमेंट की एंट्रेंस. क्या बोलूँ, बरेंडा कुछ ऐसा है हमारा बरेंडा. और 3 रूम है. ये है पहला रूम नंबर 1 जहाँ पे 3 लोग रह रहे हैं, मैं और मेरे साथ 2 और हैं रूममेट्स. और ये वाला रूम है प्राइवेट. रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3. रूम नंबर 3 भी वैसा ही जैसे रूम नंबर 1 है, लेकिन अंदर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि वो अभी काम कर रहे हैं. स्टार्ट करते हैं अपने रूम से. और यह शूज़ रखकर सबने अपने अपने शूज़ रखे हुए हैं यहाँ पे और कईयों ने तो कपड़े भी रखे हुए हैं यहाँ पे. मेरे शूज़ अंदर ही होते हैं रूम में, बाहर नहीं रखता. और अब लाउड बोलते हैं तो यहाँ से रेवे 600 मीटर दूर और एसबान है 250 मीटर दूर एंड ऊबान है 500 मीटर दूर और जो लेक है 950 मीटर दूर. बैक टू होम. तो इससे पहले कि मेरे रूममेट्स आए हैं उनको मैं डिस्टर्ब करूं, जल्दी से जल्दी रूम टूर देता हूं आपको. 3 बेड है हमारे रूम में. ये है बेड 1 जो कि मेरा है, ये 2 जहाँ पे नवीन सोता है जो कि स्पेन से है, ये 3रा बेड है यहाँ पे वो मोटा भाई सोते हैं मेक्सिको वाले. और ये 2 विंडोज़ हैं. अभी तो ठंड है इसलिए बंद कर रखी है, ये खुली हुई है थोड़े वेंटिलेशन के लिए क्योंकि वेंटिलेशन के लिए या नाम क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बंद है. तो ये एक विंडो हमें खोल के रखनी पड़ती है. और ये रहा मैं, ये वार्डरोब है, ये एक का वार्डरोब, ये दूसरे का वार्डरोब और ये मेरा वार्डरोब. तो अपना वार्डरोब तो मैं दिखा नहीं सकता लेकिन इनका
क्या बोल रहा हूँ यार, इनका वार्डरोब तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन अपना वार्डरोब दिखाऊंगा कि कैसे कपड़े मैंने तुन तुन के रखे हुए हैं यार। मेरे पास मैक्सिमम काले रंग के कपड़े हैं, मेरे को दो ही कलर पसंद है, एक तो ब्लैक और एक वाइट। तो मेरे वार्डरोब में जितने भी कलर दिखेंगे आपको, और वो सिर्फ ब्लैक दिखेगा और एक वाइट दिखेगा, कुछ एक दो कपड़े होंगे जो कि दूसरे कलर्स के होंगे और बहुत सिंपल होंगे। तो तुन तुन के रखे हुए कपड़े, क्योंकि स्पेस इतनी है नहीं, बहुत स्पेस कम है, यही वार्डरोब है। और नीचे मैंने ये अपना कुछ एक्सेसरीज का सामान रखा हुआ है, हेडफोन है, पावर बैंक है, चार्जर है, और ये ग्लासेस हैं, ऐसे वैसे कुछ सामान पड़ा हुआ है। और उसके नीचे वाली स्लैब में ये मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा पिगी बैंक, ये ऐसे वैसे कुछ भी पड़ा हुआ है रैंडमली, मेरे को भी नहीं पता क्या क्या यहाँ पे है। और इसमें मैंने शूज़ रखे हुए थे और खाली बोतलें जो कि रिसाइकल के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने स्पेसिफिक बनाओ ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए, जो आता है यहाँ पे आता है वैसे मैं डाल देता हूँ। ऊपर वाले की बात करूँ, यहाँ पे जिम का बैग पड़ा हुआ मेरा, ये प्रोटीन पड़ा हुआ है, और इसके साथ ये ग्राइंडर है, ऐसे ठूस रखा हो सामान। और कपड़े की हालत देखो भाई, सब ऐसे गुच्छू उच्छू करके ना ऐसे डाल देता हूँ। और जब मेरे को कहीं बाहर जाना हो और कपड़े में ऐसे वट वुट पड़े हुए ना, क्या बोलते हैं उसको, रिंकल्स पड़े हुए ना, तो क्या करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ, टी शर्ट को थोड़ी सी गीली करता हूँ और ऊपर से गर्म पैन फेंकता हूँ, और ये बिल्कुल सीधी। तीन, सबके अपने अपने स्टडी टेबल तो कम, खाने पीने का टेबल ज़्यादा लग रहे हैं अभी फ़िलहाल तो। और नीचे इनके पास अपने अपने लॉकर्स हैं, और ये रहा मेरा स्टडी टेबल तो कम, लेकिन मंदिर ज़्यादा बना रखा हो मैंने। ये रहे मेरे मम्मी पापा, नहीं ये पापा मम्मी हाँ, और ये भगवान, और ये भगवत गीता। जब अपन रास्ते में थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, तो खोल के पढ़ते हैं और फिर थोड़ा रास्ता ऐसे हो जाता है अपना। उसके बाद ये है, ये मैं हूँ इधर राइट वाला, ये दोनों पता नहीं कौन है, फैंस है मेरे। बुक्स रखी हुई मैंने, जर्मन लैंग्वेज की बुक्स, जो मैंने बहुत कम खोल के पढ़ने की कोशिश की है। उसके नीचे लैपटॉप है मेरा, और नीचे मेरा लॉकर पड़ा हुआ, उसके ऊपर है, दिख रहा है पता नहीं कि नहीं दिख रहा, फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, अनियंस है इतना पता, मतलब जान लो। यहाँ पे ये गोरिल्लास, जहाँ मैं राइडर का काम करता हूँ उसकी तरफ से किट मिली है, जहाँ पे मेरे सारे गियर्स हैं जो भी है। और नीचे ये वेट गेनर, जो कि अब मैंने खाना बंद कर दिया हुआ है क्योंकि अब मैं प्रोटीन पे आ चुका हूँ, गेनर खाया था, गेनर खा के मेरा मुंह बिल्कुल ऐसे हो गया था, तो उसको छोड़ दिया हुआ है। ये बैग है मेरे, एक बैग, दो बैग ऊपर, और ये दो बैग ऊपर रहे। और ये वाला जो बैग है भाई, चुमा बैग है, सबसे महंगा बैग है इन दोनों में से, बड़े बैगों में से सबसे बड़ा, छोटा बैग ये है और दो ये बड़े बैग है, लेकिन जितना रेट इन दोनों बड़े बैग का ना मिला के है ना, उतना रेट इस छोटे बैग का है। और जब कोई चीज़ पसंद आती है ना, तो उसका फिर भाई रेट जो है दिमाग से निकल जाता है। और इसके अलावा हमारी फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर ऐसे खाने पीने का सामान रखा हुआ है, जो भी है लदफद के ऐसे रख देते हैं हम, फ्रिज तो भर भर के पड़ी है अमीरों जैसी। ये सबकी अपनी अपनी स्लैब्स हैं, ठीक है, ये है मोटा भाई की, ये नवीन की है नीचे, और ये बीच वाली मेरी है। ये पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, बनाना सा नीचे दाल है, और यहाँ पे ऐसी दही दुही और दूध पड़ा हुआ है, ऐसे खाने पीने का सामान। तो ऐसी हमारी कुछ फ्रिज, उसके अलावा हाँ, उसके अलावा ये बेड के नीचे मैंने शूज़ रखे हुए हैं, और ये टॉयलेट पेपर। अरे भाई साहब, टॉयलेट पेपर की एक कहानी बताता हूँ आपको। जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ पे नया नया आता है, तो ऑफकोर्स मनी को बचाने की कोशिश करता है, पैसों को सेव करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही मैंने कुछ किया, और तो चला गया मैं वहाँ पे रेवे में टिशू लेने, टॉयलेट टिशू लेने गया, तो वहाँ पे जो सबसे चीप वाले थे वो वाले मैंने उठाए और लेके आया। और मुझे नहीं पता था कि जो सबसे चीप वाले होते हैं वो सबसे हार्ड भी होते हैं। आया, ले गया, और जब हार्ड वाले यूज़ करें तो आपको पता क्या होता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वही एक बार मैंने गलती की और एक बार टिश्यू वो वाला यूज़ किया, उसके बाद मैंने वो वाला टिश्यू दोबारा कभी यूज़ नहीं किया, वो भी नीचे कहीं पड़ा है। उसके बाद जो भी किए सॉफ्ट वाले किए हैं, क्योंकि भाई चाल ख़राब नहीं होनी चाहिए, एक दो यूरो ऊपर लग जाए कोई बात नहीं। अब चलता हूँ बाहर और दिखाता हूँ आपको बाथरूम। बाथरूम भाई बहुत सेक्सी है, मुझे सेक्सी लगता है, यहाँ पे हमेशा सफाई रहती है। ये मेरा टॉवल रहा, सुखाने के लिए रखा हुआ मैंने, और ये बहुत बड़ा मिरर लगाया है हमारे बाथरूम में,
पूरा का पूरा मैं बोलता हूँ बंदा दिखता है इसमें, और सबके अपने अपने ये क्या बोलते हैं यार इसको, टोकरियाँ पड़ी हुई हैं जिसमें अपना अपना वो नहाने नहाने का ब्रश वगैरह पड़े हुए हैं, बॉडी धोने का और घसीटने का रब करने का सामान पड़ा हुआ है। कैसी कैसी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं, आप भी सोच रहे होंगे। टू किसी का प्राइवेट है मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ये नंबर थ्री है, इस पर भी नहीं जाएंगे बिना परमिशन के, तो अच्छा नहीं लगता अगर कोई काम कर रहा हो और ऐसे मुंह उठा के चले जाऊं बिना परमिशन के, बेसिक एटिकेट। बट हाँ, अब आ गया हूँ मैं अपने किचन में, और जो हमारी किचन है भाई साहब मैं बोलता हूँ वो रूम से ही बड़ी है। किचन स्टार्ट होती है यहाँ से, सबके अपने अपने बॉक्सेस हैं खाने पीने के, ठीक है। ये दो डब्बे मेरे हैं, एक ये रहा, इसमें भी चावल और दालें दूले मसाले ये सब पड़ा हुआ है, इसमें भी ऐसे कुछ खाने पीने का पड़ा होगा, ये सब के अपने अपने रहे। ऊपर माइक्रोवेव है, यहाँ पे हम कपड़े सुखाते हैं इस ग्रिल पे। ये चेयर्स दो जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है। ये सिंक रही और ये वॉशिंग मशीन रही, अच्छा हुआ वॉशिंग मशीन हमें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स क्या होता है कि आपको वॉशिंग मशीन के लिए पे करना पड़ता है 5-10 यूरो और आप एक बार यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जब चाहे तब कपड़े धो लो भाई, मैं तो हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े धो लेता हूँ, अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा घर का दिखता है पिछवाड़ा, बैक यार्ड, अभी थोड़ी देर में बाहर लेके जाऊँगा आपको। यहाँ पे लेटर्स पड़ी हैं सबकी, क्योंकि जो भी मोस्टली यहाँ पे काम होता है लेटर्स पे ही होता है, आपको लेटर्स आते हैं घर पे, बाहर लेटर बॉक्स है वो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो सबके यहाँ पे लेटर्स पड़े हुए हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रो? तो थियो भाई मेरी मदद कर रहे हैं इस वीडियो को शूट करने में। लेट्स गो। डू यू हैव की? तो ये सबके लेटर बॉक्सेस जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड ये घर का बैकयार्ड। अभी बारिश हो गई और धूप निकल गई है, और ये है बैकयार्ड बिल्डिंग, दो बिल्डिंग है, एक फ्रंट बिल्डिंग है और ये बैक बिल्डिंग है। और कभी कभी यहाँ पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं, खेला करते थे, अब तो नहीं लेकिन पहले खेला करते थे। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी साइकिल्स हैं जो पार्क की हुई हैं। इस तरह छोटा सा गार्डन है यहाँ पे दिख रहा होगा। इन बिल्डिंग्स में जितना भी कचरा है वो सारा कचरा यहाँ पे आता है और यहाँ से लेके वो बाहर चले जाते हैं। तो ये बड़े बड़े ऐसा है हमारे बैकयार्ड। तो कभी कभी जब भी, मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी नहीं, काफ़ी बार होता है जब मैं सुबह या शाम को आता हूँ तो कॉफ़ी जब पीता हूँ तो यहाँ पे बैठ के पीता हूँ। और यस दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू ब्रो। तो बस यही कुछ था कुछ दिखाने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। और बात करूँ यहाँ के रेंट की, तो रेंट है 400 यूरो पर हेड। अगर इस रूम में हम तीन बंदे रह रहे हैं तो एक एक बंदे को 400-400 यूरो देना पड़ रहा है। आई नो बहुत एक्सपेंसिव है, 450-500 यूरो में प्राइवेट रूम मिल जाता है, लेकिन जब मैं आया था वह तो उस टाइम मेरे को प्राइवेट रूम मिल नहीं रहे थे, बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मेरे को यहाँ पे एडजस्ट होना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट था कि आपको 6 मंथ यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो अभी मेरे 6 मंथ यहाँ पे हो चुके हैं, तो अब मैं मूव कर रहा हूँ दूसरी जगह में। जब भी मैं मूव करूँगा, जिस दिन वो दिन आएगा, तो मैं उसका अलग से एक ब्लॉग बनाऊँगा। बट ये वीडियो रखते हैं यहीं तक। आई होप ये होम टूर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एज़ यूजुअल जो मैं बोलता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे राइट साइड एक घंटी आएगी, उस घंटे के ऊपर ऑल पे कर दो उस घंटे को बस, सो दैट कि आपको मेरी आने वाली इस वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आए और आप जल्दी से जाके देखें। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिख क्या रखे अपना, अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का और अपनी कंट्री का। जय हिंद एंड पीस आउट। भाईजान है ये, भाईजान लेफ्ट में धर्मिंदर है, बीच में साहिल है, मजाक कर रहा था। तो ठीक है, इस वीडियो को देखते हैं ये तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर है, ये नहीं करना यार, ना भूलिए इसको, जहाँ पे कपड़े डालते हैं।